जीवन में धन से ऊपर कौन है? आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र सबसे ऊंचा क्या है बताओ? पैसा बड़ा है या चरित्र? जोर से, क्या श्रेष्ठ है? इसलिए पैसा श्रेष्ठ नहीं हो सकता, चरित्र श्रेष्ठ था, है, रहेगा। इसलिए रावण बहुत पैसे वाला था लेकिन उसके पुतले जलाए जाते हैं क्योंकि वो चरित्रहीन था। राम चरित्रवान थे। आज गली गली मंदिर बनते हैं, ठाकुर जी की पूजा होती है। राम चरित्र सुन वे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। ये तो चरित्र की पूजा, चरित्रवानों की पूजा है, इसलिए चरित्रवान बनना चाहिए। ठीक है मेरी मां? चरित्र की बहुत महिमा है, क्या क्या कहें हम आपसे। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की बातें नहीं मानते और वो ना मान करके अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो जयपुर पढ़ने आते हैं, जिनके माँ बाप बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, पर बच्चे यहाँ पढ़ते कम हैं, प्यार व्यार ज़्यादा कर लेते हैं। आप जयपुर वासी हैं, बताओ यहाँ जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं उनमें से अधिक बच्चों को आपने देखा होगा, वो पढ़ाई तो करते हैं पर पढ़ाई कम, प्यार में ही ज़्यादा घूमते रहते हैं। क्यों जी, सही है ये बात? बोलो हाँ या ना। लड़की के माँ बाप को लग रहा है हमारी बेटी पढ़ रही है, हमारा बेटा पढ़ रहा है, पर वो पढ़ कम रहे हैं, किसी लड़के और लड़की से नयन मटक्का कर रहे हैं, है ना। आजकल तो लड़कियां भी दारू पीने लग गई हैं, खुद खरीदने चली जाती हैं बोतल, देना जरा एक पैक। पढ़ने आई है इसलिए माँ बाप को महीने दो महीने में एक बार चोरी चोरी चुपके चुपके जाके अपनी बेटी और बेटे को जरा देख लेना चाहिए, पढ़ने के नाम पर वो पढ़ ही रही है या फिर कुछ और कर रही है। आपकी जिम्मेदारी है, आप माँ बाप हैं, आप नजर रखें। भय बिनु हो ही न प्रीत, आजादी विनाश का कारण हो जाती है, इसलिए माँ बाप का भय बच्चों के लिए जरूरी होता है। बोलो हाँ। बिना भय के कोई भी होगा वो गलत रास्ता पकड़ लेगा, इसलिए या बाप का भय हो, माँ का भय हो, भाई का भय हो, किसी का भय, गुरु का भय हो, जिसके जीवन में थोड़ा डर है वही ठीक चलेगा। जिसके जीवन में कोई डर नहीं है वो छानी में होरा भूंजेगा। इसलिए भय बिनु हो ही न प्रीत, बिनय न मानत जलद ही जड़ गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। भय जरूरी है, बताइए जी, माँ बाप का भय बच्चों को जरूरी है या नहीं? जिन बच्चों पर माँ बाप का थोड़ा सा अनुशासन है, भय है, वो बच्चे सही रास्ते पर चलते हैं, और जिन बच्चों को माँ बाप का कोई डर नहीं है वो बच्चे भटक जाते हैं। इसलिए डर तो जरूरी है, तो आप जब देखते रहेंगे, गलत करने पर डांटते रहेंगे और सही करने पर प्यार करो, गलत करने पर डांटो, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल के माँ बाप तो पैदा करके छोड़ देते, जा तेरा जहां मन करे वहां जा। ये गलती बच्चों की कम, बेटियों को, जवान जवान बेटियों को माँ बाप ध्यान नहीं देते, फिर बिगड़ जाते हैं तो रोते हो, गलती किसकी है? बच्चे आपके हैं, भविष्य आपके हाथ में है, अच्छा बनाना है, बुरा पढ़ाना बुरा नहीं है, खूब योग्य बनाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाई के नाम पर जो मनमानी हो रही है वो ना हो, है ना। आजकल छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है, लड़कियों को प्यार हो जाता है, मम्मी को लगा बेटी सो रही है, वो तो रजाई ओढ़ के अंदर आई लव यू खेल रही है व्हाट्सएप फेसबुक में,
माँ को लगा सो गई, ये छोरी अंदर चल रहा उसका, हाँ या ना। ये माँ बा आज की माँ बड़ी भोली है ना, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है। तो आजकल की पढ़ी लिखी बेटियां बेवकूफ बनाती रहती है, कुछ जानती नहीं है मम्मी। थोड़ा देख लिया करो, माँ बाप को चाहिए कि बच्चों का मोबाइल चेक करते रहा करो। आजकल जो जितनी आजादी आपने दे रखी है, जितनी फैसिलिटी दे रखी है, जितनी स्वतंत्रता दे रखी, यही बिगड़ने का मेन कारण। किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, कोई देख नहीं रहा, इसलिए नजरें जरूरी हैं। बच्चों के ऊपर नजरें सदा बनी रहे माँ बाप की, कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्या है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को, एक लड़का लड़की मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। हमने कहा भाई हमें काहे बता रहे हो। बोले हमारी माँ तैयार नहीं है, हम शादी करना चाहते हैं। हमने कहा कर लो। बोले हमारी माँ तैयार नहीं। हमने कहा मत करना, नहीं करेंगे इसी से। हमने कहा फिर माँ का क्या होगा। बोले हम माँ को छोड़ देंगे। हमने उस लड़की की तरफ देखा, हमने कहा सुन रही है बेटा, ये लड़का कहता है हम अपनी माँ को छोड़ देंगे, जो अपनी माँ का सगा ना हो सका वो तेरा ज्यादा दिन तक हो नहीं पाएगा, इसलिए इस मूर्ख आदमी के चक्कर में ना पड़। पता नहीं आजकल लड़कियों को क्या हो गया है, ये किसी से भी प्यार कर लेती हैं, गधों से प्यार कर लेती हैं। अरे प्यार व्यार करने के पहले देख लिया करो, योग्य है नहीं, योग्य चाहिए, अयोग्य नहीं। प्यार व्यार ऐसे नहीं होता, आपकी तरह कोई भी दिखा प्यार चालू, अरे प्यार व्यार ऐसे नहीं होता। पहले पढ़ाई कर लो, पहले अपना जिस उद्देश्य के लिए चल रहे हो वो पूरा करो, शादी हो जाए फिर अपने होने वाले पति पत्नी से खूब प्यार कर लेना। आजकल के बच्चे कहते हैं हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो ले लेते ना, फिर बचपन से ही अपना निर्णय लेते कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना। अरे माँ बाप ने ही सही निर्णय लेकर तुम्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, आपका सही अच्छे से अच्छी परवरिश की। माँ को चिंता होती है इसलिए तुम्हें सवेरे नहवा के टिफिन तैयार करके भेजती है। माँ बाप से ज्यादा शुभ चिंतक आपका कोई नहीं हो सकता, और आप खुद के भी इतने शुभ चिंतक नहीं हैं जितने आपके शुभ चिंतक आपके माता पिता हैं। इसलिए माँ बाप के एहसानों को आजकल बच्चे भूल जाते हैं। एक बात और है, कुछ बच्चे जब कमाने लग जाते हैं ना 20,000 50,000 लाख रुपए, तो वो अपने माँ बाप का सम्मान कम करने लग जाते हैं। अरे मेरा बाप तो 40,000 रुपए कमाता है, मैं 70,000 रुपए कमाता हूँ, तो बाप का आदर कम करने लग जाता है। अरे मेरे दोस्तों, बाप भले 2 रुपए कमाता हो, भले 500 रुपए कमाता हो, पर वो तुम्हारा बाप है, उसने तुम्हें पढ़ा लिखा के योग्य बनाया है। तुम सारी जिंदगी उसके चरणों की सेवा करना, उसके ऋण को तुम कभी उतार ना पाओगे, इसलिए सेवा करो। और अपने पैसे से बाप की तुलना ना किया करो, पैसे से बाप की तुलना नहीं हो सकती, पैसे से माँ की तुलना नहीं हो सकती। तुम लाखों कमाओ फिर भी माँ और बाप का ऋण हम नहीं उतार सकते उस लाख से, उन लाखों से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 पैसा कमाने लग जाते हैं तो माँ बाप को छोटा मानने लग जा, अरे कुछ नहीं हमारे माँ बाप के पास क्या है, हम तो ज्यादा कमाते, हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। तुम कितने भी बुद्धिमान हो लेकिन उस माँ के ऋण को कैसे चुकाओगे, उस पिता के बलिदान को, उस पिता के त्याग को कैसे चुकाओगे। पता नहीं क्या हो गया है इन बच्चों को, ये अपने माँ बाप का सम्मान करना भूल जाते हैं।